बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ अली रज़ा एंड वेलकम टू पेन ग्रेविटी। इस लेक्चर के अंदर हम करेंगे जो टुडे डॉन न्यूज़पेपर है उसके एडिटोरियल का एनालिसिस विद प्रैक्टिस क्वेश्चन, एंड टुडे इज 4th of March 2024। लेक्चर के दौरान जो हमारा फोकस रहेगा वो रहेगा इंग्लिश ऐसे पर, करंट अफेयर्स पर, पाकिस्तान स्फीयर पर, सोशल साइंसेज के जो आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं उनके जो जनरल कैटेगरीज के एरियाज हैं वो कवर हो जाएंगे, क्रिटिकल अप्रोच आपकी डेवलप हो जाएगी, आर्गुमेंट बिल्डिंग भी आपकी इसके अंदर अप्रोच जो है वो भी डेवलप होगी, एंड दीज टू अप्रोचेज आर वेरी मच इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग इंग्लिश ऐसे एज वेल एज इंटरव्यू और बाकी एग्जाम जो है आपके पेपर हैं उनके अंदर भी आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। ये रहा टूडे जो डॉन न्यूज पेपर है उसके एडिटोरियल्स और ओपिनियन का सेक्शन। इस लेक्चर के अंदर जो डिस्कस किया जाएगा, एनालाइज किया जाएगा, वो होगा आपका एडिटोरियल वाला सेक्शन 1, 2 एंड 3। ये तीन एडिटोरियल्स इस लेक्चर के अंदर आपके साथ डिस्कस किए जाएंगे, एंड बाकी पोर्शन आपका रह गया जो कि ओपिनियन वाला पोर्शन जिसको हम लोग कहते हैं वेरी मच इंपॉर्टेंट पोर्शन ऑफ न्यूज़पेपर। और ये चार ओपिनियन जो है ये डेली बेसिस पर आपके साथ, इनका भी एनालिसिस इसी तरीके से जिस तरीके से एडिटोरियल का किया जाता है इनका भी एनालिसिस किया जाता है, बट इट इज अ पेड लेक्चर। और अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई तो इस नंबर पर आप व्हाट्सअप करके रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, एंड द चार्जेस इज वेरी मच लो, हमने रखे हैं लेस देन द प्राइस ऑफ अ न्यूज़पेपर है, और इसीलिए जो है एक हर कैंडिडेट जो है इसको अफोर्ड भी कर सकता है, इसलिए हमने इसको बहुत लो प्राइस के ऊपर रखा है। बहरहाल जी, पीडीएफ लिंक जो है वो इस लेक्चर का, टुडे डॉन न्यूज़पेपर का डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। तीन चैप्टर बन जाएंगे क्योंकि तीन एडिटोरियल्स हैं, जो आप पहले सुनना चाहें अपनी मर्जी से सुन सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन हो यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। सो जी, बींग अ पार्ट ऑफ आवर टीम आपने कमेंट जरूर करने हैं और कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर देना है ताकि हम इसको और बेहतर बनाएं आपके लिए। एंड टुडे क्वेश्चन इज यूएसएसआर, ये किस चीज की एब्रीवेशन है, एंड कब जो यूएसएसआर है ये डिसइंटीग्रेट हुआ और रशिया में शिफ्ट हो गया। ठीक है, तो यूएसएसआर की आपने एब्रीवेशन बतानी है और इसके बारे में थोड़ा सा आपने पढ़ना भी है क्योंकि ये एक बहुत बड़ी हिस्ट्री है, और यूएसएसआर कब जो है डिसॉल्व हुआ, डिसइंटीग्रेट हुआ और उसके बाद रशिया बना। ठीक हो गया जी, इसके अंदर से कुछ कंट्रीज जो हैं वो टूटे, इसके कुछ पोर्शंस जो हैं वो टूट के, और उसके बाद वो तकरीबन 15 न्यू कंट्रीज जो हैं वो बनी। ठीक हो गया, और ये कब ये काम हुआ, एक तो ये डेट आपने बतानी है, एंड व्हाट इज द एब्रीवेशन ऑफ दिस वन ये आपने बताना है, क्योंकि आज का एक एडिटोरियल जो है वो इससे भी रिलेटेड है। ठीक है, तो चलते हैं, शुरू करते हैं। इंशाल्लाह यू विल लर्न Many things. Number one, close to midnight. अब ये close to midnight क्या है, क्यों लिखा है, ये इसके last में जाके हमको पता चलता है that what is close to midnight, इसको ये नाम इसने क्यों दिया। ठीक है, तो वो हम इसको पूरे को डिस्कस करते हैं, एंड फाइनली फिर मैं आपको बताऊंगा that is what is why he give him the name that close to midnight. ठीक है, इसके अंदर है क्या, बेसिकली इस एडिटोरियल के अंदर क्या है, यूक्रेन की वार की बात आपके साथ करेगा और उसके बाद कहेगा कि न्यूक्लियर वार की जो धमकी आ रही है तो ये यूक्रेन की वार जो है ये कन्वर्ट होने जा रही है इनटू न्यूक्लियर वार, और अल्टीमेटली अगर ये न्यूक्लियर वार की फॉर्म लेती है तो फिर ये ग्लोबल वार बन जाएगी। सो दैट इज द होल विच ही डिस्कस इन डिफरेंट डायमेंशन, किस तरह से जो यूक्रेन की वार है वो न्यूक्लियर वार बन जाएगी और किस तरह से ये जो न्यूक्लियर वार है ये ग्लोबल वार बनेगी और क्यों ये जो है ये सारा कुछ हो रहा है, तो ये सारी चीजें इसके अंदर डिस्कस की जाएंगी। एंड समझ लें कि जो हमारा क्रक्स है, जो हमारा मेन जो सेंट्रल थीम है, हमारा जो मेन सेंट्रल आइडिया है जिसके ऊपर हमने सारी रोटेट करना है वो है आपकी यूक्रेन वार। ठीक हो गया, तो क्या हुआ, यूक्रेन वार थर्ड ईयर में शुरू हो चुका है जिनका, फरवरी में आपको पता है ये तकरीबन काम शुरू हुआ था, तीसरा साल इसका चल रहा है यूक्रेन वार का। नो साइन ऑफ पीसफुल रेजोल्यूशन, कोई साइन नजर नहीं आ रहा कि पीसफुल रेजोल्यूशन हो सके। ठीक है, यूक्रेन एंड इट्स नेटो बैकर्स ऑन वन साइड एंड रशिया ऑन अदर साइड,
एक साइड पे कौन है, यूक्रेन है और साथ में नेटो की कंट्रीज हैं, दूसरी साइड पे कौन है, रशिया है। तो पहले, इससे पहले कि आगे डिबेट को लेकर जाएं न्यूक्लियर किस तरह से ये बनी, तो पहले थोड़ा सा इसके ऊपर डिस्कस कर लेते हैं कि ये यूक्रेन और ये नेटो। जो नए बच्चे हैं उनके लिए मेरी कोशिश होती है कि ज्यादा एक्सप्लेन करूं, क्योंकि जो नए बिगनर्स आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तरफ, दोज हु आर जस्ट ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट फ्रॉम एनी यूनिवर्सिटी और दस जे ज्वाइन करते हैं कि हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जाएं, तो स्पेशली वो जो सोशल साइंसेस जिनके सब्जेक्ट्स नहीं होते, जो सामान्य नेचुरल साइंसेस के या लाइफ साइंसेस के बच्चे होते हैं, मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी जस्ट लाइक दिस, उनके लिए थोड़ा काफ़ी मुश्किल हो जाता है। लेकिन जो सोशल साइंसेस के होते हैं उन्होंने तो काफ़ी ये चीज़ें पढ़ी होती हैं, बहरहाल तो उनके लिए जी ये आप लोग पहले देख लें कि ये रशिया और ये यूक्रेन का चक्कर क्या है जी। बिल्कुल, ये ग्रीन कलर में जो आपको नजर आ रहा है ये है रशिया, और ये जो ऑरेंज कलर में आपको नजर आ रहा है ये है यूक्रेन, ठीक है। और ये है आपका नॉर्थ पोल, दुनिया का नॉर्थ पोल, और इसके नीचे आपको यहाँ पर साउथ पोल मिलेगा, ठीक है। तो यहां पर आप, बात ये है कि जिस तरह मैंने अभी आपसे क्वेश्चन पूछा था ना, USSR, ये आपने बताना है, बता दो, मैं भी सकता हूँ, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि आप भी थोड़ा सा खुद से भी चीजों को पढ़ने की कोशिश करें, क्योंकि फाइनली फिर जब आप उस स्टेज पे चले जाएंगे तो वो ज्यादा बेहतर स्टेज रहेगी आपके लिए। तो यूएसएसआर जो था, जब ये डिसइंटीग्रेट होता है, टूट जाता है, ठीक है ना, तो फिर क्या होता है, यहाँ पर बहुत सारी नई कंट्रीज जो है हमारे सामने आती हैं, और ये जितनी भी आपकी सेंट्रल एशियन स्टेट हैं, अजबाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ठीक है ना, अजरबैजान, ये सारी की सारी जो है इसी से, यूएसएसआर से निकल कर हमारे सामने आती है। एंड यूक्रेन इज वन ऑफ देम। यूक्रेन भी पहले यूएसएसआर का हिस्सा था, उसके बाद डिसइंटीग्रेट हुआ, और एक यूक्रेन जिस तरह दूसरे 15, मैंने कहा टोटल 15 जो है कंट्रीज जो है वो बनकर हमारे सामने आ गए। तो ये जो यूएसएसआर है इसका नाम फिर बदल दिया गया, और इसका नाम फिर जो बन गया वो बन गया ये रशिया, इसका नाम रख दिया गया, ठीक है। और ये जो जिसके साथ अब इसकी लड़ाई है, यूक्रेन के साथ जो जंग लगी हुई है, ये यूक्रेन आप ऐसे ही समझ लें कि जिस तरह पाकिस्तान और इंडिया है, पहले ये दोनों इकट्ठे थे। यहां तक होगी क्लैरिटी। अब ये दो चीजें आपने, कि यूएसएसआर का क्या मतलब है, क्या अब्रीवेशन है, एंड व्हेन इट डिसइंटीग्रेट, किस डेट को ये डिसइंटीग्रेट हुआ, क्यों हुआ, ये आपने थोड़ा सा पढ़ना है और कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक हो गया। और बाकी इसमें से जब ये डिसइंटीग्रेट हुआ, तो टोटल 15 जो नई कंट्रीज हमारे सामने बनकर आई, जैसे मैंने आपको बता दिया, सेंट्रल एशियन स्टेट्स सारी की सारी उसके अंदर ऐड हैं, ठीक है, और यहाँ पर जितनी भी स्टेट्स हैं वो भी उसके अंदर ऐड हैं, एंड यूक्रेन आल्सो इज वन ऑफ देम। और ये सारे का सारा किसका पार्ट था, यूएसएसआर का पार्ट था। तो अब जंग किसकी हो रही है, रशिया की यूक्रेन के ऊपर, रशिया ने अटैक किया है यूक्रेन के ऊपर, और अब तीसरा साल जो है इस जंग को शुरू हो चुका है। यहां तक हो गया, अब थोड़ा सा और देख लें क्लैरिटी के साथ। अब ये है आपका रशिया, और ये है आपका यूरोप, ठीक है। और ये मैप से बस मैं ये दिखाना चाह रहा हूं कि यूरोप जो है उसका बॉर्डर लगता है रशिया को। अब ये क्यों दिखाना चाह रहा हूं, ये मैं आगे जब नेटो को डिस्कस करूंगा तब मैं इस मैप को ज्यादा आपके साथ एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। तो ये अभी के लिए इतना आपको दिखा दिया कि कहां पे है ये, और इसके अंदर आगे क्या हुआ है वो भी मैं आपको बताता हूं, लेकिन पहले हम थोड़ा सा इसको डिस्कस कर लें। तो होता क्या है कि व्लादिमीर पुतिन जो है ना, जो रशिया के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने कहा है कि ये जो जंग है ना, अब ये न्यूक्लियर वार में शिफ्ट हो सकती है। यानी कि बात करने का मकसद ये है कि हमारे पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, सो वी कैन यूज देम इन यूक्रेन वार, ठीक हो गया। और इसी तरीके से उन्होंने और भी बातें की काफी, उन्होंने ये भी कहा कि हिटलर जो है और नेपोलियन जो है, उन्होंने भी रशिया के ऊपर कोशिश की थी कि कब्जा कर लें, लेकिन वो हार गए थे, और अब भी ये दुनिया जो है ये हारेगी हमसे। अब ये न्यूक्लियर वार की धमकी उन्होंने बेसिकली लगाई क्यों, ये उन्होंने लगाई इसलिए क्योंकि ये एक रिएक्शन के तौर पर लगाई। अब एक्शन क्या था, एक्शन ये हुआ कि फ्रांस का जो प्रेसिडेंट है ना, मैक्रोन, ठीक है ना, उसने क्या किया, नेटो जो नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, एक नेटो है, ये भी आगे बताता हूं ये क्या है, उसकी थी एक मीटिंग, उस मीटिंग के अंदर उसने कहा कि जो वेस्टर्न ट्रूप्स है ना, वो भी यूक्रेन के अंदर क्या कर सकते हैं, जंग लड़ सकते हैं। तो जब ये बात
जो है प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन की तक पहुंची तो उसने कहा कि अगर आपके जो फौजी हैं वो आकर यहां यूक्रेन में लड़ेंगे तो फिर इसका मतलब है कि फिर हम भी जो है क्या कर सकते हैं, न्यूक्लियर वार इसको बना सकते हैं, हमारे पास फिर न्यूक्लियर वेपन्स भी हैं, हम वो यूज करेंगे। अब ये दोनों चीजें आपने देख ली, अब आपने अपने जहन में रखना है एक नेटो को, यूक्रेन को, और ये जिसने रिएक्शन जो दिया और ये जो प्रेसिडेंट ने कहा कि वेस्ट के जो ट्रूप्स हैं ये क्यों नहीं लड़ सकते और क्या कैसे लड़ सकते हैं, क्या कंडीशन है, ये क्यों नहीं आगे ये यूक्रेन में लड़ सकते नेटो वाले। तो ये चीजें मैं आपके साथ अभी डिस्कस करता हूं ताकि आपको, बाकी एडिटोरियल वाले ने तो ये चीजें बता दी हैं, दैट्स इट, लेकिन थोड़ा सा मैं कोशिश करता हूं इसको खोल के आपके सामने रख दूं क्योंकि यही आपका करंट अफेयर, पाकिस्तान अफेयर, जियो पॉलिटिक्स एंड ईच एंड एवरीथिंग, यही चीजें होती हैं, डायरेक्ट लफज बदल जाते हैं, कंसेप्ट यही रहते हैं। इसीलिए मैं आपको कह रहा था आप थोड़ा सा ये मैप देख लें पहले। अब कुछ मैप्स दिखाऊंगा, कुछ बातें दिखाऊंगा तो आपने इंटरकनेक्ट करते जाना है। यहां पर है रशिया आपके सामने और यूरोप, एक चीज तो ये होगी। अब यहां पर आप देखें ये थोड़ा मैप जो है ना ये आपके सामने है, ठीक है। अब ये है आपका रशिया, ठीक हो गया, और ये है आपका यूक्रेन, और ये है आपका सारे का सारा यूरोप, ठीक है। अब यहां तक बस आपको दो चीजें देखनी है, रशिया, पहला रशिया, दूसरा आपने देखा यूक्रेन, और तीसरा यूरोप, ये तीन चीजें आपने देखनी। अब थोड़ा सा यहां पर मैं आपको पिक्चर में भी दिखा दूं, ये है व्लादिमीर पुतिन जो के प्रेसिडेंट हैं रशिया के, इन्होंने कहा है कि फिर न्यूक्लियर वार जो है वो क्या होगी, न्यूक्लियर वार फिर शुरू होगी, हम न्यूक्लियर यूज करेंगे, ठीक है। अब होता क्या है, थोड़ा सा आगे चलता हूं मैं, फिर नेटो पे आता हूं। ये एक मैप है, यहां पे ये रशिया है और ये है आपका यूक्रेन, किव इसका कैपिटल है। अब यहां पर स्टोरी इस तरह से है कि 2022 की स्टोरी आपके साथ बताते हैं कि जब अटैक हुआ, और जब से अटैक हुआ है तब से ये जो येलो कलर में आपको नजर आ रहा है सारे का सारा पोर्शन, ये अभी भी क्या है, यूक्रेन के पास है। अब ये वाला जो पोर्शन आपको नजर आ रहा है, ये वाला, ठीक है ना, ये वो वाला एरिया है जो कि रशिया ने 2022 में क्या किया है, इसको कैप्चर कर लिया ये वाले जंग लगने के बाद, और इस जंग को अब तीसरा साल है। ये है क्रीमिया, अब ये जिसके ऊपर आपको बार्स नजर आ रही हैं, ये पहले किसका हिस्सा था, यूक्रेन का था, लेकिन ये वाला हिस्सा जो है ये 2014 में जो है रशिया ने अटैक करके इसको कैप्चर कर लिया था। तो ये अभी तक जो टोटल स्टोरी है रशिया की और यूक्रेन की वार की, ये आपके सामने है कि कितने हिस्से पर वो कब्जा कर चुके हैं और कितना अभी जो है बाकी है, ठीक है। कि ये यूक्रेन आपके सामने, ये रशिया आपके सामने, रशिया अटैक करता है 2022 में, और ये सारे का सारा एरिया जो आपके सामने है इसको क्या अभी तक उसने 2024 तक कैप्चर कर लिया दो साल में, ठीक हो गया जी। और बाकी ये वाला जो एरिया है जिसको हम क्रीमिया कहते हैं, ये 2014 यानी कि 2015 में जब अटैक किया था रशिया ने तो इसको उसने तब नेक्स्ट कर लिया, तब इसके ऊपर उसका कंट्रोल हो चुका था। अभी तक ये आपके आपके जहन में बिल्कुल अब पिक्चर क्लियर हो जानी चाहिए कि रशिया और यूक्रेन की जंग कहां तक पहुंची है। अब अटैक कहां कहां से रशिया कर रहा है, किन किन तरीकों से कर रहा है, वो भी आप देख सकते हैं कि ये जो है जो आपके सामने है कि ये रशिया जो है यहां से जिन चीज एरियाज की तरफ से अटैक कर रहा है, और यहां पर क्योंकि ये पहले ही इनके कंट्रोल में था तो अल्टीमेटली उन्होंने इसको भी यूज किया है, और यहां से ये सारे इधर से वो क्या कर रहा है, इसके ऊपर यूक्रेन के ऊपर अटैक कर रहा है। अब यहां पर आप देख लें एक दफा कि आपने लिखा रोमानिया और साथ में एक वर्ड लिखा हुआ है नेटो, देख लीजिए यहां पर। अब इसको भी आगे मैं एक्सप्लेन करता हूं, और ये भी वही पिक्चर है जो आपको दिखाई जा रही है कि ये दो पोर्शन है, ये वाला और ये वाला। अब इस पे ऊपर किसका कंट्रोल हो चुका है, इस पे तो 2024 में क्रीमिया में हो चुका था, और इसके ऊपर 2022 में अब किसका कंट्रोल है, रशिया का कंट्रोल है। और जंग के बाद जो है लोग जो है यहां से उठकर जो साथ वाले जो थे ना कंट्रीज वहां पे माइग्रेट कर जाते हैं, कुछ तो रशिया में भी चले जाते हैं। रशिया में इसलिए चले जाते हैं क्योंकि ये पहले रशिया जो था उनका हिस्सा था ये वाला यूक्रेन, तो यहाँ पर जो कुछ एरियाज है वहां पर जो लोग रहते हैं वो सेम लैंग्वेज बोलते हैं, उनका कल्चर जिस तरह हमारा जो बॉर्डर के ऊपर कल्चर है केपे की वालों का और जो अफगानिस्तान वाले हैं उनके साथ सेम है इनका, तो इनका भी ऐसे ही था। तो इन ये लोग जो है इन्होंने प्रेफर किया ये उठकर रशिया में ही चले गए, और ये फर्स्ट वीक के अंदर इतनी माइग्रेशन
हो गई। बाकी भी इस तरह से ये माइग्रेट होते रहे हैं, लोग जो है जंग की वजह से जो है माइग्रेट करके जो साथ वाले कंट्रीज हैं वहां पर क्या की कर रहे थे, वो जा रहे थे। तो अभी तक आपने सिर्फ देखा मैप को, रशिया की और यूक्रेन के मैप को, ताकि आपको क्लैरिटी हो जाए कि कहाँ कहाँ पर जो है सारे मामला जो है पहुंचे हैं। अब आ जाते हैं यहां पर कि ये जंग कर क्यों रहा है, व्हाट इज द मेन रीजन। वैसे तो मल्टीपल रीजन है, इनकी हिस्ट्री भी है पीछे कि ये यूएसएसआर का जो था हिस्सा था, लेकिन अब जो लेटेस्ट रीजन है दैट इज द वेरी मच इंपॉर्टेंट रीजन, और वो है नेटो। ये है नेटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, और ये है एक वजह। अब इसमें भी वजह में क्या है, तो ये मैप आप देख रहे हैं, ये है नॉर्थ पोल ऊपर वाला, यानी कि जो नॉर्थ साइड है दुनिया की वो है, जैसे ग्लोब होता है ना, तो उसके ग्लोब की एक नॉर्थ साइड है। अब यहां पर आप देखें, अब आपको ये रशिया नजर आ रहा है ये सारे का सारा। अब रशिया के आप देखें कि इस तरफ क्या है, यूएसए का अलास्का है, अलास्का की जो स्टेट है यूएसए की वो भी इन्होंने रशिया से ही खरीदी, ठीक है। बाहर ये कनाडा है, ये अलास्का है, और ये बाकी कंट्रीज हैं, और ये है आपका यूरोप। अब यहां पर आप देख रहे हैं कि ये जो कलर है ना, इस कलर का मतलब ये है कि ये सारी की सारी जो कंट्रीज है ना, ये नेटो की मेंबर है, ठीक है। अब प्रॉब्लम ये हो रही है कि रशिया ये कह रहा है कि ये जो नेटो की एक्सपेंशन हो रही है ना, और आहिस्ता आहिस्ता ये जो कंट्रीज हैं जैसे स्विट्जरलैंड है, फिनलैंड है, बेलारूस है, यूक्रेन है, ये क्या करते जा रहे हैं, नेटो के अंदर शमूलियत अख्तियार करते जा रहे हैं, नेटो को ज्वाइन करते जा रहे हैं। तो अगर ये नेटो को ज्वाइन करते जाएंगे तो अल्टीमेटली होगा क्या, इसका मतलब सादा अल्फाज में ये है कि जो रशिया का बॉर्डर है उस बॉर्डर के ऊपर अमेरिका आके बैठ गया है। नेटो को ज्वाइन करने का मकसद ये है। तो यूक्रेन के ऊपर जो एक मेन वजह है अटैक करने की, वो रशिया ने कहा है कि मैं अपना सेल्फ डिफेंस कर रहा हूं, क्योंकि अगर यूक्रेन नेटो को ज्वाइन करता है तो फिर ये तो मेरे लिए खतरे की घंटी है कि मेरे बॉर्डर के ऊपर मेरा दुश्मन आकर बैठ जाएगा। क्योंकि अल्टीमेटली नेटो का मतलब ही ये है कि जब भी कहीं पर जंग होगी तो ये सारे के सारे मुल्क जो क्या करेंगे, उस मुल्क के खिलाफ लड़ेंगे इकट्ठे होकर। तो इसलिए इसने, रशिया ने यूक्रेन को कहा था कि तुम नेटो की जो है मेंबरशिप जो है वो ना लो, और आराम से बैठो और मुझे भी बैठने दो। मगर यूक्रेन वालों ने ये बात नहीं मानी और मेंबरशिप की तरफ उन्होंने मूव किया, उन्होंने स्टेप्स लिए। दो अभी तक जो है यूक्रेन के पास मेंबरशिप नहीं है नेटो की, मगर नेटो ने क्या किया, वो कोशिश कर रहा था कि मुझे मेंबरशिप मिल जाए। तो इसके रिस्पॉन्स में फिर रशिया ने इसको अपना सेल्फ डिफेंस समझते हुए कि मेरी बका इसमें है कि मैं जो है इसको जो क्या करूं, फिर इसके ऊपर अटैक करूं, इसको कैप्चर करूं इससे पहले कि ये नेटो में शामिल हो जाए, और उसके बाद अगर इसको मैं छेड़ूंगा तो फिर मुझे पूरी जो नेटो फोर्स है उसका सामना करना पड़ेगा। तो ये होप आपको बात समझ आ गई होगी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। इस वजह से जंग हुई। अब यहां पर क्योंकि लड़ाई की मेन वजह ये है, अब यूक्रेन जो है वो नेटो का मेंबर नहीं है, इसका मतलब है कि नेटो के मेंबर जो है या नेटो वाली जो कंट्रीज हैं, वो कोई दूसरी जो कंट्री है वो यूक्रेन में अपने फौजी नहीं भेज सकती, क्योंकि इसका कोई एग्रीमेंट ही नहीं है किसी के साथ। तो इसके ऊपर जब मीटिंग होती है तो जो कनाडा का जो कनाडा का था या फ्रांस का था, जो हमने पीछे डिस्कस, फ्रांस का था मेरे से, वो प्रेसिडेंट ये कहता है कि यहां पर जो वेस्टर्न, वेस्टर्न से मुराद यही है यूरोप वाले, कनाडा वाले और आपका जो अमेरिका है, तो इनके जो फौजी हैं वो भेजे कहां पर, यूक्रेन में भेजे ताकि वो लड़े। तो इसके जवाब में फिर रशिया ने कहा क्योंकि ये जो फौजी यहां पर आकर लड़ेंगे ये किसी ला का हिस्सा नहीं है, तो फिर मैं भी क्या करूंगा, न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल करूंगा। सो दैट इज द मेन जो वजह है कि क्या रही। और ये अगर आप देखें, ये आपके सामने रशिया है, ये यूक्रेन है, ठीक है ना। अब यहां पर देखें, अब ये आहिस्ता आहिस्ता एक्सपैंड होती जा रही थी। फाउंडर जो थे वो कौन से थे, और जिन्होंने 1996 तक ज्वाइन किया वो देखें आप कौन से हैं, ये वाले हैं सारे जिन्होंने ज्वाइन किया था 1996 तक, और ये रशिया से बहुत दूर दूर थे। बीच में ये समझ ले पैड, ये वाले इलाके जो थे, मुल्क जो थे, इन्होंने ज्वाइन नहीं किया था, लेकिन उसके बाद 2022 तक इसने भी ज्वाइन कर लिया, ठीक है। और ये आपके सामने है कितने ने ज्वाइन कर लिया, और ये वाले जो है इनकी जो है अभी
अप्लाई किया हुआ इन्होंने ज्वाइन करने के लिए। तो इसका मतलब ये है कि अगर ये भी ज्वाइन कर लेते हैं तो नेटो तो आ गई ना फिर, ये जिस तरह यहां पर आ चुकी है तो नेटो तो रशिया के बॉर्डर के ऊपर, घर के ऊपर चढ़ गई, दरवाजे के ऊपर आकर बैठ जाएगी। सो दैट्स वाई रशिया ये चाहता है कि इसकी वजह से उसने यूक्रेन के ऊपर जो है अटैक किया था उस वक्त 2 साल पहले। होप आपको जो है नेटो और सारी की सारी न्यूक्लियर वार किस तरह से हो सकती है और फिर ये आगे फिर अल्टीमेटली किस तरह से शिफ्ट हो सकती है ग्लोबल वार में, ये काफी हद तक आपको क्लैरिटी होगी होगी। नेक्स्ट एक और बात करते हैं, जो वो क्या कहते हैं कि जो यूक्रेन की वार है ना, और इसके साथ साथ 3 पॉइंट्स करते हैं, यूक्रेन की वार, मिडल ईस्ट की वार और ये जो चाइना ताइवान जो है क्राइसिस जो है, ये 3 दुनिया के ऐसे पॉइंट्स हैं, ऐसी लड़ाई वाली जगह है ना, ग्लोबल हॉटस्पॉट्स हैं, यानी कि ये दुनिया के वो वाले पोर्ट्स हैं, वो वाली जगह है जहां पर जो है जिनकी वजह से पूरी दुनिया में जंग फैल सकती है, ठीक है ना, होगी जो 2 मुल्कों के दरमियान ही, लेकिन वो ऐसी फैलेगी कि पूरी की पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लेगी। तो लिहाजा वो कहता है एनी लॉन्ग लास्टिंग सॉल्यूशंस मस्ट इंटेल रशिया गिव। अब ये बात करते हैं, तो पहले ये तीनों की बात कर लेते हैं। यूक्रेन की मैंने आपको बता दी स्टोरी सारी की सारी कि ये किस तरह से फैल रही है और अब वेस्ट वाले जो है वो बीच में आना चाह रहे हैं किसी तरीके से, लेकिन जो उसकी आने की वजह से अब यहाँ पर इसको अमदाद तो भेज रहे हैं, वेपन्स भी भेज रहे हैं, सप्लाई भी दे रहे हैं, म्यूनिशन भी दे रहे हैं, लेकिन फौजी नहीं दे पा रहे। तो अब फौजी देने की बात की तो साथ में रशिया ने कह दिया अगर फौजी आएंगे तो फिर मैं भी वेपन जो है दूसरे इस्तेमाल करूंगा जो लेटेस्ट है। तो ये एक पॉइंट तो ये बन गया कि ये जो रशिया वाला है, ये वाली जो यूक्रेन है, ये बन चुका है एक हॉटस्पॉट, यहां से जो दुनिया जो है तबाह हो सकती है। दूसरा उसने कहा मिडल ईस्ट, मिडल ईस्ट में पता है आपको कौन है, फलस्तीन की जंग। अब ये फलस्तीन की जंग रेड सी तक फैल चुकी है, यमन के ऊपर जो है यूके और यूएसए अटैक कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है इसराइल को, और ये जो यहाँ पर ईरान बैठा है, ईरान जो है वो भी सपोर्ट कर रहा है, ठीक है ना। तो इस तरह से ये जो है वार जो है ये यहाँ से फिर यहाँ से भी एक्सपैंड हो सकती है। तो ये वाला पॉइंट जो है ये भी इस वक्त दुनिया का जो रेड लाइन हम कह सकते हैं ये भी बना पड़ा है। दूसरा पॉइंट ये है कि यहाँ से भी जंग फैल के पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले सकती है। तीसरा है आपका ताइवान और चाइना। अब इन दोनों के साथ भी एक प्रॉब्लम है, ताइवान चाइना जो है 1949 में जैसे बनता है, तो बस इसकी मैं सादी सी आपको हल्का सा हिंट दे देता हूँ जो नए बच्चे हैं, जो पुराने हैं उनको तो पता ही होगा, जो नए स्टूडेंट्स उनके लिए कि जब चाइना बनता है तो चाइना का जो हुक्मरान था वो क्या करता है, यहाँ से भागता है और ताइवान आकर बैठ जाता है। ताइवान एक आइलैंड टाइप आइलैंड है, समझ लें जजीरा है, तो यहाँ पर आकर वो बैठता है और यहाँ पर अपनी हुकूमत बना लेता है और इस चाइना की हुकूमत को वो क्या करता है, एक्सेप्ट नहीं करता। अब वो इंडिपेंडेंटली डील कर ला दुनिया को, लेकिन चाइना ये कहता है कि ताइवान मेरा हिस्सा है और इसको वो कहता है वन चाइना पॉलिसी, ये उसने इसका नाम रखा हुआ है, और वो कहता है कि जो ताइवान है ये मेरा हिस्सा है, ठीक है ना, और ये मैं कुछ फ्यूचर में इसको अपने साथ मिला लूंगा, लेकिन ताइवान की क्योंकि एक सेपरेट सी गवर्नमेंट है तो ये जो चीज है ना वन चाइना पॉलिसी वो इसको कहता है, और जो मुल्क इस वन चाइना पॉलिसी को वायलेट करता है चाइना उसके साथ दोस्ती नहीं रखता। मतलब क्या है, वन चाइना पॉलिसी को वायलेट करने का मकसद ये है कि वो चाइना को और ताइवान को अलग-अलग डील करता है। जैसे अभी थोड़ा अरसा पहले यूएसए का जो है पार्लियामेंट का जो बंदा था वो यहाँ पर आया कांग्रेस का, वो अब मुझे अब याद नहीं है स्पीकर था या क्या था, उसने ताइवान का विजिट किया तो इस वजह से भी जो हालात तो वाकयात इनके बेहतर नहीं रहे। तो ये भी एक होट पॉइंट है, और ये आप देख सकते हैं ताइवान और चाइना। अब ये जो एरिया है ना साउथ चाइना सी का, ये भी यहाँ पर आए दिन क्या होता है साउथ चाइना सी के अंदर, यहाँ पर भी क्या है जनाबे अली, ये ताइवान और ये चाइना, और यहाँ पर जो जहाज हैं ये फिलिपाइन हैं, तो यहाँ पर जो है ना आए दिन जो है अमेरिका के और यूएसए के जहाज जो हैं बड़ी नज़दीक नज़दीक से गुजरते हैं, ठीक है। और ये भी एक ये तीसरा होट पॉइंट है दुनिया का कि जहाँ से जंग का आगाज हो सकता है किसी भी वक्त। तो बाहर आप ये 3 बातें आने के बाद आगे चल रहे हैं, तो वो कहते हैं कि एज लॉन्ग लास्टिंग सॉल्यूशन होना चाहिए, रशिया जो है उसको क्या करना चाहिए कि वो वापस कर दे यूक्रेन का वो वाला हिस्सा जो उसने ऑक्यूपाई किया है, और वेस्ट जो है वो क्या करे, गारंटी दे कि जो है वो इसको इनसर्कल नहीं करेगा। 2 चीजें उसने बता दी, मतलब कि जितना भी जो एरिया है, जो ये वाला एरिया है जो कि किसने किया है, ये वाला जो एरिया है रशिया जो है वो रशिया जो वापस कर दे, और साथ साथ जो वेस्ट है वो इस चीज की प्रोमिस करे
कि वो इन सर्कल नहीं करेगा किसको, रशिया को, यानी कि इसको मेंबरशिप नहीं देगा नेटो की, ठीक है ना। तो ये दो चीजें अगर हो जाती हैं तो फिर क्या होगा, इनकी आपस में मसला का हल जो है वो हो सकता है। लेकिन वो कहता है कि चूंकि दोनों साइड जो है वो कोल्ड वार में जा चुकी हैं, तो फिर इसलिए ये बड़ा मुश्किल सा काम है। कोल्ड वार में जाने का मकसद ये है कि यहां पर डायरेक्ट लड़ाई वो नहीं करते, ठीक है ना। रशिया और चाइना आपस में, रशिया और जो यूक्रेन है वो आपस, यूक्रेन की तो रशिया की तो आपस में लड़ाई हो रही है ना सीधी सीधी, लेकिन कोल्ड वार में जाने का मकसद ये है कि यहां से रशिया जो है वो यूक्रेन, रशिया जो यूक्रेन पर वार कर रहा है, यूक्रेन रशिया पर वार कर रहा है, और रशिया को जो पीछे से जो वेस्ट वगैरह है और यूएसए है वो सप्लाई दे रहा है। तो क्योंकि वो कोल्ड वार में जा चुके हैं, यानी कि डायरेक्टली डील नहीं कर रहे इस चीज को, तो यहां पर वो फिर फाइनल, वो जो मैंने आपको बताया था ना, नाम उसने रखा है क्लोज टू द मिडनाइट जस्ट लाइक दिस। तो यहां पर जो एटॉमिक साइंटिस्ट है ना, उन्होंने क्या किया है, पुट द डूम्सडे क्लॉक एट 90 सेकंड्स टू मिडनाइट, ये मिडनाइट पे, विद चांसेस ऑफ टर्निंग बैक इट्स हैंड्स डिमिनिशिंग रैपिडली। यानी कि जो एटॉमिक साइंटिस्ट हैं, उन्होंने क्या किया है, डूम्सडे का जो क्लॉक है, अब ये क्या है ये भी आपको बताता हूं, क्लॉक जो है उसको 90 सेकंड टू मिडनाइट उन्होंने सेट कर दिया है। यानी कि क्लॉक है, उसकी एक सुई है, उसको घुमाते रहते हैं जैसे जैसे खतरा बढ़ता है, और अब खतरा इतना बढ़ चुका है एटॉमिक वार का कि एटॉमिक साइंटिस्ट ने डूम्सडे का क्लॉक जो है उसको 90 सेकंड्स के ऊपर सेट कर दिया। अब आ जाते हैं इस पे कि ये डूम्सडे का और ये क्लॉक शोलोक क्या है। ये आपके सामने पिक्चर है डूम्सडे की। तो पहले तो ये एक्सप्लेन करने से पहले आप समझ लें कि व्हाट इज डूम्सडे। तो पहले तो इसका मतलब क्या है जी, आपको डूम्सडे क्यामत वाला दिन, सादा अल्फाज में द लास्ट डे ऑफ वर्ल्ड्स एग्जिस्टेंस, जिस दिन ये दुनिया खत्म हो जाएगी, तो वो वाला क्लॉक है जो ये बताता है कि किस दिन दुनिया जो है वो तबाह हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो ये इसका नाम उन्होंने रखा हुआ है डूम्सडे। अब ये करते क्या है साइंसदान, साइंसदान ये करते हैं कि इस पूरी दुनिया के अंदर जो लड़ाई झगड़ा तबाही हो रही है ना, और मुल्कों के आपस में जो कश्मकश बढ़ती है, समझ आती है कि यहाँ पर अब जंग लगे ही निकलेगी, तो वो क्या करते हैं, उस क्लॉक की सुई को घुमा कर और आगे कर देते हैं। जितना सुकून होता जाता है उतना उसको पीछे करते जाते हैं, और जितना लगता है ना कि ये अब लड़ाई होनी होनी है, तबाही होनी होनी है, तो उसको फिर उतना आगे करते जाते हैं, और उससे पता चलता जाता है कि थ्रेट लेवल क्या है। अगर आपका कभी विजिट हुआ हो किसी भी आर्मी की जो टेरिटरी है उसका, या कभी आपने जो पुलिस के ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, यानी कि लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के जो ट्रेनिंग सेंटर्स हैं या हेडक्वार्टर्स हैं, वहां पर विजिट किया हो ना कभी, आपको आइडिया कभी एक्सपीरियंस हुआ हो, तो वहां पर आपको मिलता है इस तरह का एक ना, यानी कि एक इस तरह से एक पोल लगा होता है, और उसके ऊपर आपको ना लोहे की एक इस तरह से प्लेट लगी हुई नजर आती है, और उस प्लेट के ना इस तरह से तीन चार उन्होंने पोर्शन बनाए होते हैं, ठीक है। एक उन्होंने रेड कलर किया होता है, एक को येलो, एक को ब्लू, एक को ग्रीन, इस तरह के कलर किए होते हैं, और उसके ऊपर ना एक सुई होती है। अगर तो ग्रीन के ऊपर सुई है तो मतलब है कि थ्रेट लेवल जो है वो कोई नहीं है, चिल मारे कोई रैक्स रहे, और अगर जो है वो आगे ब्लू पर जा गई है तो इसका मतलब है कि थोड़ा सा अलर्ट रहने की जरूरत है, और येलो पे अगर आ गई है तो फिर ओवर अलर्ट है, और अगर रेड पे आ गया तो इसका मतलब क्या है कि भाई फुल अलर्ट हो जो, किसी वक्त भी अटैक हो सकता है। ये बताने के लिए कि सिचुएशन क्या चल रही है आपकी इन्वायरमेंट में। तो जब फिर वहां से सोल्जर्स या उस एजेंसी के जो बंदे हैं, जो ऑफिशियल्स हैं, ऑफिसर्स हैं, वो गुजरते हैं ना, तो इस बार से उनको आइडिया हो जाता है कि जो इन्वायरमेंट है इस वक्त वो कैसी है, किस प्रेशर में चल रही है। और यहां से अगर मैं थोड़ा सा ओवर, आपको ये चीजें थोड़ी एक्स्ट्रा हो जाती हैं फिर, लेकिन अगर आप थोड़ा सा और बताऊं ना, तो जो आर्मी में है या लॉ एनफोर्समेंट में है वो इस चीज को ज्यादा एक्सपीरियंस भी उन्होंने किया होगा, आर्मी में और रेंजर्स में ये ज्यादा प्रैक्टिस की जाती है, इस थ्रेट लेवल के हिसाब से जो आपकी गन है ना उसकी प्रैक्टिस होती है। अब गन की प्रैक्टिस क्या है मैं बताता हूं। ग्रीन में है तो गन बस ठीक है, उसका मुंह तो नीचे को ही होता है, क्योंकि ये एक SOPs होती है आपकी जब ट्रेनिंग करवाई जाती है, तो उसमें तो गन जो है उसका मुंह तो ठीक है, नीचे को हो गया, इट्स ओके हो गया, तो ग्रीन में है, ठीक है। अब फर्क कहां पड़ता है, फर्क यहां पर पड़ता है कि जैसे ही वो ब्लू पे या येलो पे होती है ना, तो ये जो सोल्जर खड़ा है इसको पता है कि भाई थ्रेट लेवल क्या है, तो उसकी जो सेफ्टी होती है ना, आपको जिसने वेपन यूज किया होगा उसको पता होगा यहां पर सेफ्टी होती है, तो वो पहले ग्रीन में है तो सेफ्टी लगी हुई है,
मुंह नीचे को है। ब्लू में आया तो सेफ्टी, ब्लू येलो में आया तो सेफ्टी उसकी जो है वो खत्म कर दी जाती है, ठीक है, और मुंह चेहरा उसका नीचे को ही रहता है। लेकिन अगर रेड पे है तो सेफ्टी भी खत्म कर दी जाती है, और उसके बाद जिसको आप लोग पंजाबी में कहते हो चैम्बर चढ़ा के, गोली जो है वो आपकी जो है बिल्कुल फिट होती है उसके अंदर। और आप रेड पे इस सिचुएशन में, आपको पता होता है सोल्जर को इस वक्त एनवायरमेंट रेड है, वो जस्ट रेडी टू शूट खड़ा होता है उस वक्त, उसने चैम्बर चढ़ाया होता है, गोली जो होती है उसके अंदर जो गन बुलेट होती है वो बिल्कुल उसके अंदर होती है, उसने सिर्फ क्या करना है प्रेस करना होता है अपनी गोली को, जस्ट प्रेस करना है रेड में। लेकिन बाकियों में क्या होता है, चैम्बर नहीं चढ़ा होता, आप लोगों की बस सेफ्टी लगी होती है, ग्रीन के अंदर नॉर्मल होती है, ब्लू येलो के अंदर सेफ्टी खत्म कर दी जाती है, लेकिन उसके बाद आपने चैम्बर चढ़ा के उसको यूज करना होता है। लेकिन जब रेड होता है तो आप लोग पहले से गन में जो आपकी गोली होती है वो चढ़ी होती है, आपने चैम्बर चुम्बर चढ़ा के उसको बिल्कुल एक्टिव रखा होता है। तो जब भी यानी कि उस सिचुएशन के अंदर आपने बस क्या करना होता है कि सिर्फ और सिर्फ आपने जो उसका ट्रिगर दबाना है, इस सिचुएशन में खड़े होते हैं कि आपके ऊपर अगर अटैक होता है तो विद इन नैनो सेकंड यू कैन रिप्लाई, ठीक है। तो ये जिस तरह से यहां पे होता है ना आर्म सिक्योरिटी फोर्सेस के अंदर, इसी तरह कह लें कि ये दुनिया में जो थ्रेट लेवल बताया जाता है ना, तो वो है डूम्स क्लॉक बताता है कि पूरी दुनिया की तबाही कब होने वाली है। और ये जो डूम्स क्लॉक है ना, ये दुनिया की सिचुएशन जब बदल रही होती है ना, हालात वाकयात बदल रहे होते हैं, तो ये भी आगे पीछे रोटेट कर रहा होता है। ये आप लोगों ने स्लाइड को रोक लेना है और इसको पढ़ लेना है, 1947 में कहा था और ये कहा था। अभी देखें ना, जब वार एंड ऑफ कोल्ड वार होता था, ये पीछे आ जाता है, ये 12 बजे है जिसे हम मिड नाइट कहते हैं। फिर आगे आगे इंडिया पाकिस्तान का जब न्यूक्लियर वेपन्स टेस्ट होते हैं फिर आगे चला जाता है, नॉर्थ कोरिया जब करता है फिर और आगे चला जाता है, और अब जो है 2023 और 2024 में ये कहाँ पे खड़ा है, बिल्कुल 90 सेकंड्स दूर खड़ा है, यानी कि सिर्फ 1.5 मिनट के फासले पर है। तो आप कह सकते हैं कि सिर्फ 1.5 मिनट अगर ये आगे चला जाता है थ्रेट लेवल, तो दुनिया में किसी ना कहीं कोई न्यूक्लियर अटैक हो जाएगा और ये दुनिया तबाह हो जाएगी। इतना ज्यादा हाई लेवल का जो है इस वक्त दुनिया में थ्रेट लेवल है। ये भी वही चीज है, आप इसको भी पढ़ सकते हैं, फ्रेमवर्क वही है कि किस तरह से ये जो थ्रेट लेवल है ये बढ़ता जा रहा है। और अब जो आप लोग खड़े हैं, ये 2020 तक इसने मैनेज किया हुआ ना, लेकिन पीछे वालों में अगर आप देखें तो उन्होंने आपको 90 सेकंड के ऊपर मिड नाइट क्लॉक है 2023 का और 2024 का यूक्रेन वार की वजह से। तो ये साइंटिस्ट ने असल में जो हमने शुरू में बात की थी कि कहां पर क्लोज टू मिड नाइट, ये था क्लोज टू मिड नाइट के बिल्कुल सुई जो है थ्रेट लेवल की, दुनिया की तबाही की बिल्कुल नजदीक है, 90 सेकंड दूर है। अगर 90 सेकंड के बाद क्या हो सकता है, इस दुनिया में तबाही मच सकती है, इतना ज्यादा थ्रेट लेवल हो चुका है। तो ये था सारे का सारा आपका फर्स्ट एडिटोरियल, यूक्रेन वार आपके साथ डिस्कस की, नेटो का बताया, न्यूक्लियर वार कैसे बन सकती है, ग्लोबल वार में कैसे ये शिफ्ट हो सकती है, ये सारी चीजें आपके साथ इसके अंदर डिस्कस कर दी। प्राइम मिनिस्टर चैलेंज कुछ नहीं है इसके अंदर, आपका प्राइम मिनिस्टर कौन बना है, शहबाज शरीफ बना है, उसको सलाह मशवरे दे रहा है कि जनाब तुम आज तो आगे हो, ये प्रॉब्लम्स हैं, तो जरा मिजाज ठंडा रखना, कोशिश करना प्यार मोहब्बत से चलाने की, वरना मुल्क नहीं चलने वाला, ठीक है ना। तो मैं काफी चीजों को बड़े दिल के साथ जो है सही करनी पड़ेगी जो बड़ी खराब हो चुकी है, शहबाज शरीफ साहब के बारे में वो बताता है। ये कहता है कि ये रोला है सारे का सारा, इधर प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब हैं, इधर जरदारी साहब हैं, और इधर नवाब अपना इमरान खान साहब हैं, ये दोनों गवर्नमेंट बनाने जा रहे हैं, ये अपोजिशन में होगा, और ये देखें ये रिगिंग का डोल बजा रहा है कि दांधली होगी। तो इसका मतलब ये है कि अब ये इन दोनों को भी को काम नहीं करने देगा। सो दैट इज द चैलेंज। न्यू प्राइम मिनिस्टर, इलेक्शन हो गए, टफ फाइट हुई, ठीक है ना, एवरी पीस ऑफ लेजिस्लेशन करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। प्राइम मिनिस्टर तो बन गया, तो लेजिस्लेशन क्या है, पार्लियामेंट के अंदर कानून साजी करना, तो कानून साजी जब भी करेगा अपोजिशन वाले ढोल बजाएंगे, जिस तरह अभी आपको पिक्चर में दिखाया, लेजिस्लेशन करने नहीं देंगे पीटीआई वाले, ठीक हो गया। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है प्राइम मिनिस्टर की, कि वो क्या करे, यूनिटी जो है विद इन द नेशन जो है वो पैदा करे, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है, और इसके लिए उसको एक अपना दिल बड़ा करना पड़ेगा ताकि मुल्क को आगे लेकर चले। अपने जो कैबिनेट के मेंबर्स हैं उनको क्या करेगा, अपॉइंट करना पड़ेगा बड़े सोच समझकर, पीटीआई को पीडीएम गवर्नमेंट में जिस तरह से उसने मेंबर्स जो है सिलेक्ट किए तो उस तरह ना करे, वहां से वो लेसन ले, और पीडीएम में जो फाइनेंस मिनिस्ट्री थी किसके पास थी, इसहाक डार के साथ पास के पास थी,
तो यहाँ पे वो रिकमेंड यही करता है कि इसहाक डार को ना बनाना, किसी और को बना लेना, बस ना सारी तबाही कर देनी है उसने। तो ये वो बात करता है उसके साथ, पीएम साहब को रिक्वेस्ट करता है, सजेशंस देता है कि बड़ा दिल लेकर चलोगे तो ही गवर्नमेंट चला सकोगे, फिर ही लोगों का मसाइल हल कर सकोगे, और पीडीएम की गवर्नमेंट में जो तुमने गलतियां की थी वो ना करना, बड़ी सोच समझ कर अपनी जो कैबिनेट है चूज करना, और खास तौर पर जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो बड़ा अच्छा सा चूज करना, पीडीएम वाला ना लगाना, इस आधार को ना लगाना। दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो इसके अलावा है वो ये है, वो कहता है कि जो पीटीआई का जो आप लोग क्रैकडोर कर रहे थे ना, विक्टिमाइजेशन कर रहे थे ना, उसको रोक दो और उनके साथ जो है ना मिल सुलह सफाई कर लो जितनी जल्दी हो सकता है, ठीक है ना, ताकि जो है आप लोगों जो है आगे चल सके। नो डाउट वो कहता है ये एक मुश्किल स्टेप है लेकिन ये आपको करना पड़ेगा। पीडीएम जो है कोलिशन गवर्नमेंट जो बनी थी उसकी बात करता है, मिस्टर श्री विल नीड टू शो इमेंस करेज इफ ही विशेस टू बी रिमेम्बर्ड वेल। तो यहाँ पर वो कहता है कि पीडीएम की तरह की जो कोलिशन आप लोगों ने गवर्नमेंट बनाई है तो इसमें जो है आपको बड़ी करज के साथ, बड़ी हिम्मत के साथ चलना पड़ेगा, सबको खुश रख के, और पुलिसीज भी अच्छी अच्छी आपको बनानी पड़ेगी। तो इलेक्शंस हो गए, न्यू गवर्नमेंट आ गई, प्राइम मिनिस्टर के चैलेंजेस, उसने कहा पुलिसी है आपका मेन चैलेंज, और पुलिसी जब भी आप कोई बनाएंगे तो पीटीआई जो अपोजिशन ग्रुप है वो शोर मचाएगी, पुलिसी बनाने नहीं देगी, और आपको पुलिसी बनानी पड़ेगी, और खास तौर पर इकोनॉमी के ऊपर भी आपको कोई रिफॉर्म्स करनी पड़ेगी, पुलिसी बनानी पड़ेगी, तो वो उन पुलिसी के ऊपर क्रिटिसिज्म आएगा पीटीए की तरफ से, और अच्छा खासा आएगा, किसी खुशी में ना रहना, ठीक है। तो इस वजह से फिर आपको जो है इन मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। तो ये चीजें वो बताता, लूजिंग हिस्ट्री, इसके अंदर वो बात ये करता है कि अभी जो है एक डैम बनने जा रहा है, डैम में बादशाह डैम जो बन रहा है, अंडर कंस्ट्रक्शन है, उसकी वो बात करते हैं। तो वो कहता है कि क्या हुआ उस डैम के अंदर, ठीक है। यहाँ पर सॉरी टू से एक स्लाइड थी जिसके अंदर इसकी पूरी डिटेल थी डैम बादशाह डैम की, वो आई थिंक सो मिस हो गई है सम ड्यू टू सम रीजन, तो वो लगानी थी, मिस हो गई वो वाली, बाहर चले ऐसे ही बता देते हैं आपको। अच्छा, इसमें बताने वाली बात ये है कि वो ये कहता है कि ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, वो कहता है कि वापटा वाले जो है उन्होंने 46.5 मिलियन का कल्चरल प्रिजर्वेशन जो है कॉन्ट्रैक्ट जो है एक कंसल्टेंसी फर्म को दिया है, जो कि डिजिटाइज करेगी और 3D मॉडलिंग करेगी, किसकी, रॉक्स कार्विंग। कार्विंग बेसिकली ये होता है कि हाथ से जो कुनिंदा करना होता है ना, इसको कहते हैं हम लोग कार्विंग, ठीक है ना। रॉक्स कार्विंग यानी कि जो इस तरह ये रॉक्स हैं, तो रॉक्स को जो क्या करता है, कुनिंदा कारीगर उनकी करना, ठीक है। तो यही बात वो कर रहा है, ये देखिए आप, ये दो बंदे हैं ना, ये क्या कर रही है, ये जो पुरानी रॉक्स हैं जिनके ऊपर क्रिंदा हुई हुई है, इनको वो काट के इन पीस को क्या कर रहे हैं, अलहदा कर रहे हैं, और सब इसको बाद में क्या कर देंगे, वो शिफ्ट कर देंगे किसी म्यूजियम वगैरह में। तो यही चीज यहाँ पर वो डिस्कस कर रहा है बेसिकली, कि जनाब अली 46.5 मिलियन का जो है एक प्रोजेक्ट वापटा ने लगाया है इस काम के लिए, इस चीज को देखने के लिए कि कहाँ कहाँ पर क्या क्या है, क्योंकि बादशाह डैम जब बनेगा तो समुद्रया के किनारे इंदस रिवर के ऊपर बनना है, तो इंदस रिवर के जिस एरिए के ऊपर ये बनना है, तो वहां पर वो काफी पुरानी चीजें हैं, तो उनको कहते हैं कैसे सेव करना है, ठीक है। अथॉरिटी जो है कल्चरल हेरिटेज मैनेजमेंट करे, प्लान प्रिजर्वेशन, प्री हिस्टोरिक एथनिक टीचिंग्स, एस्टेब्लिश ए म्यूजियम एंड इनकरेज कल्चरल टूरिज्म। एक्सपर्ट बिलीव दैट द डैम्स कंस्ट्रक्शन मे पुट थाउजेंड ऑफ एंशियर इन जियोपार्टी। बेसिकली वो ये कह रहा है कि जनाब यहाँ पर जब आप बनाएंगे ना डैम, 7-10 अल्फाज में पहले आप सुन लें, इंग्लिश तो फिर आप खुद भी पढ़ लेंगे, ये है डैम और बादशाह डैम, और ये है इंदस रिवर आपका। अब यहाँ पर बनना है, ठीक है, तो इसके पीछे जो दरिया का हिस्सा है, यहाँ पर क्या है, ये देखिए आपके सामने नंगा पर्वत एक आ गई, तो यहाँ पर क्या है, पहाड़ है और स्टोन्स हैं, चट्टाने हैं, तो वहां पर क्या है, कई सौ साल पुरानी जो हमारी हिस्ट्री है, जैसे बुद्धिज्म है, इंदस वैली सिविलाइजेशन है, तो वहां पर कुनिंदाकारी की हुई है उन किसके ऊपर, उन चट्टानों के ऊपर। तो जब आप लोग उन चट्टानों को वैसे ही रहने देंगे और यहाँ पर डैम बना देंगे तो वो पानी के अंदर आ जाएंगी, जाया हो जाएगा सारे का सारा। तो वो ये बात कहता है कि जनाब वो वाली चीजें उनको आप लोग क्या करें, जिस तरह ये वर्कर कर रहे हैं ना, काट के लहरा करके ले आए हैं, तो आप ही उन अपनी पुरानी हिस्ट्री को, जो आपका कल्चर है, उसको सेव करें, ठीक है ना। उसके लिए बेशक आपको म्यूजियम बनाने पड़े, बेशक वो म्यूजियम में आप रखें, कल्चर जो टूरिज्म है उसको प्रमोट करें, लेकिन आपको ये काम करना पड़ेगा। अगर आप ये नहीं करते तो आपकी इतनी पुरानी जो हिस्ट्री है वो सारी के सारी जाया हो जाएगी। इससे क्या क्या डैमेज क्या हो सकता है, 50,000 जो रॉक्स हैं, चट्टाने जो है जिनके ऊपर कनिंदाकारी की गई है, वो
5000 इंस्क्रिप्शंस हैं वो बुद्धिज्म के दौर की हैं, जो कि इंदस रिवर जो है उसके बैंक्स के ऊपर अलोंग द बैंक्स किनारे के साथ साथ, तो ये सारी की सारी क्या है इस तरह से तबाह हो जाएंगी और उनके ऊपर शीप्स वगैरह जैसे जो है चीजें बनी हुई है। तो इसी तरह वो कहता है 1999 के अंदर क्या हुआ, जीटी रोड की एक्सपेंशन एक प्रोजेक्ट था वो लगाया, तो डिस्ट्रक्शन होगी 2 हिस्टोरिक वाटर पावर फैसिलिटीज एंड कनेक्टिंग वॉल्स ऑफ शालीमार गार्डन, उनको क्या करना पड़ा तबाह करना पड़ा, तोड़ना पड़ा, तो ये भी हिस्ट्री का नुकसान हमने किया। बहरहाल वो कहता है 2020 के अंदर WWF पाकिस्तान ने जो प्रेशर डाला, फोर्स द गिलगित बल्तिस्तान गवर्नमेंट टू अबॉर्ट जीप रैली जो है उन्होंने अबॉर्ट की एंड पोलो फेस्टिवल्स एट रमा इन सोटोरा, एंटीक एक्ट 1975 कहता है इंप्लीमेंट करने की जरूरत है, इससे आप क्या कर सकेंगे, जो एंटीक होता है पुरानी चीजें, जो हमारी पुरानी चीजें हैं, जो हमारी हिस्ट्री है उसको आप सेव कर सकेंगे। बात जो क्रक्स है वो ये है, ये आप बनाने जा रहे हैं डैम, ठीक हो गया जी। अब ये जो किनारा है ना, इस किनारे के ऊपर जो है चट्टाने हैं यहां पर, अब इन चट्टानों के ऊपर क्या है जनाबी अली, निंदाकारी की गई है हिस्ट्री की मुख्तलिफ चीजों की। अगर तो आप इनको पहली बात तो आप इस रास्ते को ऐसा करें ना कि ये खराब हो, लेकिन अगर आप इनको जरूरी ही बनाना है तो आप क्या करें इनको संभालें, और संभालने का तरीका जैसे कि ये दिखाया गया है, काटें और ले जाएं जाकर म्यूजियम में रख दें। तो ये वो चीज कहता है कि इस तरह के स्टेप आपको लेने की जरूरत है। सो जी, ये था आपका 2 डे एडिटोरियल का लेक्चर, और बाकी अगर मेरी जिंदगी रह गई तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर आपके साथ बैठेंगे, डिस्कस करेंगे जो नई चीजें होंगी, और तब तक दुआओं में याद रखिएगा। एंड फाइनल जुमला यही है कि जो करना है फाइनली आपने करना है, किसी ने कुछ नहीं आपको करवाना, हम आपको सिर्फ गाइड कर सकते हैं, नॉलेज आपके साथ शेयर कर सकते हैं, बाकी जो एफर्ट है 99.9% जो कंपिटेटिव एग्जाम्स में सक्सेस है वो आप पे डिपेंड करती है, ठीक हो गया। तो बाकी इंशाल्लाह जिंदगी रही तो फिर डिस्कशन होगी, तब तक दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह।